हमने अभी जस्ट आपके सामने एक पावर बीआई को, पावर बीआई में डेटा को कनेक्ट किया है। यहाँ एक्सेल पे क्लिक किया, हमने जी लोकेशन में जाके डेटा को कनेक्ट किया, राइट। ओके कनेक्ट सर करने के बाद मैंने उसको लोड कर दिया। पावर बीआई में तीन व्यू है, पहला आपका आता है रिपोर्ट, दूसरा आता है आपका डेटा व्यू। जो डेटा है उसका पूरा व्यू करना चाहते हैं तो डेटा यहाँ पे आता है, व्यू कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। जी तीसरा जो आता है आपका डेटा मॉडल। यहाँ पे डेटा का मॉडल होता है, जो आगे बताऊंगा इसका यूज क्या है। ये तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है ना, ये डेटा टेबल है पूरा। ये आपका पूरा टेबल है, और इसमें जैसे कई सारे टेबल्स है उनका आपस में रिलेशनशिप करना हो तो ये आपका डेटा मॉडल आता है। ये आपको आगे क्लास में हाँ समझाऊंगा। हाँ सही है जी। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिपोर्ट बना रहा हूँ। ये आपकी विजुलाइजेशन है, ये आपकी फील्ड्स है। अब आपको कौन सा विजुलाइजेशन चाहिए? जैसे मैंने जी यहाँ पे लिया सबसे पहले लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, सॉरी एरिया चार्ट लिया, और एरिया चार्ट में मैंने डेट को डाला एंड क्वांटिटी को डाला। तो वो ईयरली आप देख रहे हैं, ईयरली जो है इसका आ रहा है क्वांटिटी बाय ईयर। बाई ईयर। अब इसमें एक चीज और भी है, और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसके यहाँ पे फॉर्मेट्स होते हैं। यहाँ दिख रहे हैं फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स आते हैं। जैसे डेटा लेवल हमने यहाँ से ऑन कर दिया तो सारे डेटा लेवल्स आ गए। डेटा लेवल की फॉर्मेटिंग वगैरह क्या करना है वो यहाँ आप इसका यूज कर सकते। उसके बाद हमें यहाँ पे ये चाहिए बार चार्ट चाहिए, हमने यहाँ पे इसको रखा, और हमने यहाँ पे नेम वाइज क्वांटिटी डाल दिया, ठीक है। जी उसके बाद हमने एक यहाँ पे एक और विजुलाइजेशन लिया, हमने इसका यहाँ पे रखता हूँ, और इसमें हम प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी लेते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे कुछ टेबल लेवल चाहिए, तो हमें इसके लिए फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ मॉडलिंग, इसमें इंसर्ट में आते हैं, नहीं इंसर्ट में नहीं होता है, मेजर्स, न्यू मेजर्स इसमें आते हैं। जैसे मुझे टोटल ये चाहिए, टोटल क्वांटिटी, ओवरऑल टोटल कितनी सेल हुई है, तो यहाँ पे हमने टोटल अंडरस्कोर सेल्स, और यहाँ पे इस तरह के हम फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, जैसे एक्सेल में हम लगाते थे, हमने जी फॉर्मूला भी लगा सकते। और फॉर्मूला में जो फाइनल रिजल्ट आता है, उस फाइनल रिजल्ट को हम लेवल कार्ड के जरिए, हम कार्ड के जरिए, जैसे कि हमने यहाँ पे टोटल सेल्स को रख दिया, तो यहाँ पे हम शो कर सकते, जी ठीक है। एक और बना लेता हूं मैं यहाँ पे मेजर्स, जैसे कि टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे हम सब, सम इसमें हम लोग यहाँ पे टोटल को सम करते हैं, ग्रांड जो जी टोटल को, और यहां हमने टोटल रेवेन्यू को उठा के डाल दिया। उसके बाद तीसरा हम यहाँ पे टोटल कॉल्स के लिए भी बनाना चाहते हैं, तो यहीं पे हम मेजर्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम देते हैं
और यहाँ पे देते हैं सम, सम में हम यहाँ पे टोटल कॉल्स हमारे पास है उसका ले लेते हैं, टोटल कॉल्स। उसके बाद यहाँ से हम कार्ड को लेते हैं और यहाँ रखते हैं और फिर ये जो टोटल कॉल से उठा के हम डाल। अब यहाँ पे हम डे आउट चार्ट लेते हैं और डे आउट चार्ट में हम यहाँ पे डालते हैं अपना सेल्स मोड को, सेल्स का मोड क्या होगा और इसकी कितनी क्वांटिटी, किस मोड में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। और इस पे जो है फॉर्मेट में मैं डेटा लेबल को डिटेल तो है, उसके बाद फिर वापस हम यहाँ पे पाई चार्ट लेते हैं। पाई चार्ट में हम इस पे साइट को डालते हैं और साइट के अंदर हम टोटल को डालते हैं कि कितना, किस साइट में का परसेंटेज क्या है। उसके बाद यहाँ पे हम सेल्स मोड, और सेल्स मोड में हम यहाँ पे अपनी टोटल को डालते हैं कि सेल्स मोड में क्या है, मतलब सबसे हाईएस्ट क्या है। अभी डैशबोर्ड हमारा तैयार हो चुका है लेकिन अभी भी एक सही फॉर्मेट फॉर्मेटिंग वगैरह थोड़ा सा कम है, तो हम यहाँ पे ऊपर पेज की साइज, पेज का बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात पूछना था। हाँ। कि क्लाउड से हमारा डेटाबेस, डेटाबेस से कनेक्ट है क्लाउड से, तो और ये हमने डिजाइन कर रखा है जैसे आपने ये रखा, ठीक है, तो इसमें जो जो वहां से जो डेटा जो चेंज होगा, क्योंकि वो डेटा कहीं से इंसर्ट हो रहा है वो डेटाबेस में जा रहा है, डेटाबेस से फिर वो आपको फिर डिजाइन में बीआई में आ रहा है, तो वो फिर डिजाइन भी तो चेंज होता जाएगा ना फिर, मतलब के वो तो डायनेमिकली हो जाएगा ना फिर वो। जी 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 पेज की बैकग्राउंड कलर में ले रहा हूं तो बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं हो रहा है? ओह सॉरी, माफ कीजिएगा, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो है इस कारण। अच्छा वो हाँ सही। ऐसा इसलिए हमने किया, ऐसे करने के पीछे रीजन था ये। हाँ, रीजन ये होगा क्या, आपका हर ब्लॉग जो है जैसे क्वांटिटी बाय ईयर है, क्वांटिटी बाय नेम, वो सेपरेट मतलब दिखे। हाँ, तो सेपरेट एक, हाँ, एक ब्लॉग जी, हाँ, जी सही सही आपने सही पकड़ा। तो मैंने कहने में तक नहीं समझे, तो ऐसा डिजाइनिंग ठीक रहता है तो अच्छा दिखता है ना। नहीं, आपको रिप्रेजेंट करने में जो है ना, आप रिप्रेजेंट जहाँ कर रहे हैं अगर ये इस पर दिखा करके, तो उस पर थोड़ा सा इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव होता है ना फिर वो सब। जी जी जी, बना तो कोई भी देगा लेकिन डिजाइन प्रॉपर वे में डिजाइन होना वो तो फिर उसका डिजाइनर का तो फिर अलग ही उसका वैल्यू होता है, तो जानते ही आप। सर ये चीज हो सकता है ना कि मान लीजिए अगर हम लेजर दिखा रहे हैं, लेजर पे जैसे हमारा इतना टोटल आया सर, और वो टोटल पे लेजर पे जब क्लिक करेंगे तो फिर वो जर्नल पे चला जाएगा, वो एंट्री कहाँ से वो क्या हुआ वो पूरा दिखाएगा ना,
नहीं समझे क्या बोले आपने। मैं ये बोल रहा था सर कि जैसे मान लीजिए कि अकाउंट्स का एंट्री किया है वो लेजर में टोटल इतना लेजर, जैसे मान लीजिए 500 रुपये दिखा रहा है, ठीक है सर, आज के लेजर में, फिर वो एंट्री कहाँ से आई है उस पर अगर हम उस लेजर पर क्लिक करें तो वो जितना जर्नल एंट्री हुआ वो तो देख सकते हैं ना फिर वो। नहीं यहाँ पे तो, यहाँ तो समराइज दिखाएगा ना आपको सर। नहीं तो वो अगर मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे आपको यह है कि A190 के दिख रहा है, राइट, तो आप अब बोलेंगे कि इसका डेटा वगैरह चाहिए हमें, इसको स्पॉटलाइट करेंगे तो ये आपको स्पॉटलाइट आ जाता है, ये दिखता है, मतलब हाईलाइट करता है, छोटा है तो फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं इसमें। हाँ, एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करते हैं तो इसका एक डेटा एक्सपोर्ट कर देगा CSV, समझे। अच्छा हाँ, ठीक है। है कि आपको ये पता चला है कि भाई किसका टोटल है तो यहाँ दिख रहा है ना आपको, जैसे टोटल ऑफ सेल्स में हम आ गए तो यहाँ ऊपर में आपको फंक्शन दिखेगा जी। अब मेरा ये रिपोर्ट बन के तैयार हो चुका है तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ होम पे आता हूँ और यहाँ पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। पब्लिश पे क्लिक करने से पहले बोलेगा सेव करने के, क्योंकि रिपोर्ट तो हम बना लिए बट हाउ कैन शेयर, समझ गए सर जी। हाउ कैन शेयर, शेयर कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि रिपोर्ट को शेयर कैसे करें। तो दो चीज़ें हैं, एक तो इस डेटा को, इस पिवट टेबल को माई वर्क स्पेस में, अब इस जो हमारा रिपोर्ट बना है इस रिपोर्ट को आप एज ए PDF में, सॉरी हाँ PDF में, जी सर PDF में इसको डाल सकते हैं। तो PDF में यहाँ फाइल पे जाइए एक्सपोर्ट और आप इसको PDF में एक्सपोर्ट कर लीजिए, जी सर। लेकिन अगर आपको एज ए रिपोर्ट भेजना है तो जैसे हमने यहाँ पे कर दिया तो ये पावर BI की तो हमने फाइल बनाई है, डायरेक्ट इस फाइल भेज सकते हैं, लेकिन 78% को पावर BI का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम है कि अगर मोबाइल पे है तो ठीक है, मोबाइल पे भी देख सकता है, मोबाइल पे अगर नहीं है तो फिर वो आप जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से पावर पॉइंट में, एक्सेल के एनालाइजर में, लेकिन एक्सेल एनालाइज में करने के लिए आपको पावर BI प्रो होना चाहिए सर, समझे। PDF कर सकते हैं, शेयर में एक चीज़ और भी इसको शेयर कर सकते हैं, जैसे कि एम्बेड करके कोड वगैरह पब्लिश और वेब कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको अनेबल करना पड़ता है, यहाँ पे आप इसको ए कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक नया है जनरेट QR कोड। QR कोड जनरेट करने से क्या होता है, अब मैं इस QR कोड का फोटो भेज दूंगा, कोई भी अपने अपने ऐप में जाएगा और इस QR कोड को डाउनलोड स्कैन करेगा, उसको पूरा रिपोर्ट दी जाएगा। कैसे दिखेगा बताओ सर। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जूम से अपने सेल फोन में कनेक्ट होता हूँ, ठीक है। और मैंने अपने आप को होस्ट बनाया, अब मेरा सेलफोन आपको दिख रहा है, दिख रहा है सर जी सर। अब मैंने अपना पावर BI का जो इसमें पावर BI का हमने डाउनलोड कर रखा ऐप, दिख रहा है आपको ऐप? हाँ दिख रहा है सर। इस ऐप को मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अब यहाँ जो है मोड पे आप आते हैं तो स्कैनर दिख रहा है सबसे लास्ट में। हाँ ठीक है सर, स्कैनर दिख रहा है। स्कैनर से मैंने अपना इसको जो इंटरनेट पे दिख रहा था उसको मैंने स्कैन कर लिया, ठीक है। देखिए पूरा रिपोर्ट इस पे लोड हो जाएगा। अच्छा
ग्रेजर। तो सर हमको डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में, मतलब के पावर बी आई। हाँ मतलब कि बहुत सारे लोग जैसे नहीं समझ गए कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आप रिपोर्ट भेजना चाहते हैं बट सिक्योर रिपोर्ट भेजना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने अभी भी जो रिपोर्ट बनाया वो मेरे माई वर्क स्टेशन पे आ गया। ठीक है सर। हाँ सर, जैसे मान लीजिए कि हमारा मैनेजर है, ठीक है, हमारे मैनेजर को आपको मैनेजर को आप भेजना चाहते हैं कि वो देख ले क्या स्टेटस है, करंट स्टेटस क्या है। हाँ तो मैनेजर, अगर आपका मैनेजर भी पावर बी आई, मैनेजर के पास भी पावर बी आई होगा तो कर सकता है। हेलो, ओ सॉरी सर, वो गलती से सर हट गया, मोबाइल में बंद किया ना तो मोबाइल से हट गया सर। जैसे अभी मैंने अभी रिपोर्ट, अभी जो मैंने रिपोर्ट बनाई है ना सर, जी जी 20 तारीख को बनाई है, तो जी वर्क स्टेशन पे आप देखेंगे आ जाएगा मेरा 220 दिख रहा है डैशबोर्ड जी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। आप कौन सा खोल रहे हैं सर? ये मैं वेब वर्जन है। हाँ नहीं, माय वर्क स्पेस के लिए है ना इस। हाँ माय वर्क स्पेस में है। जी जी ठीक है ना। ये रिपोर्ट यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे एनालाइज इन एक्सेल करेंगे तो इसके लिए प्रो होना चाहिए, और इसमें और भी चीज़ें इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिलीट करना, क्लियर रिपोर्ट वगैरह दिख रहा है सर, डाउनलोड सब कुछ कर। माउस अभी का आपका मूव नहीं कर रहा सर। क्या माउस मूव नहीं कर रहा? माउस कर्सर नहीं कर रहा, कर्सर मूव नहीं कर रहा। अब मूव कर रहा है सर? नहीं नहीं सर। सर आपके एंड से प्रॉब्लम, आप अभी क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन में मेरा? स्क्रीन पर सर आपका पावर बी आई खुला हुआ बस और कुछ नहीं सर। आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर लग रहा है। एक बार फिर से कनेक्ट हुए क्या? क्या फिर से कनेक्ट करते हैं सर।